सो हे बैडीज, इट्स गेम एक्सपर्टी। एंड यार, मैं बहुत दिनों बाद जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को कोरोना हो गया था। सो यार, मेरे को कोई भी नहीं कहेगा कि मैं इतनी लेट वीडियो क्यों अपलोड कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा कमाल की मेड इन इंडिया गेम्स के बारे में। एनी गेम्स काफी ज्यादा कमाल के हैं एंड डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे। एंड जो मैंने लग इन गेम्स को ढूंढा है, लाइक काफी अलग गेम है एंड काफी यूनिक गेम्स लगे मेरे को। लाइक इनमें से कुछ गेम यूनिक है एंड मेरे को काफी पसंद आए। एंड मैं आशा करता हूँ की आपको भी जरूर से पसंद आएंगे। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसे कमाल के कॉन्टेंट के लिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। जो हमारी लिस्ट में जो हमारा पहला गेम है उसका नाम है इमोर्टल गॉडेस। एंड इस गेम को एक फीमेल सोलो डेवलपर ने डेवलप किया है, वो भी मोबाइल के लिए। एंड काफी अच्छा लगा कि एक फीमेल डेवलपर ने इसको डेवलप किया है। एंड ये एक्चुअली एक 3D RPG गेम है। एंड यहाँ पर जो आपको फैंटेसी वर्ल्ड में छोड़ा गया है, एंड यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक फीमेल है, जहाँ पर कि आपको डीमन से लड़ाई करनी पड़ेगी। एंड आपके पास कई सारे वेपन्स होने वाले हैं, जैसे कि स्वॉर्ड, ब्लेड एंड एक्सेट्रा, जिस तरह के वेपन्स होने वाले हैं। एंड यहाँ पर आपका एक कंपेनियन होगा, मतलब आपका एक साथी होगा जो कि एक लाइन होगा जो कि आपकी मदद करेगा एनिमीज से फाइट करने में। एंड अगर हम बात करें एनिमीज के बारे में, तो यहाँ पर कई सारे एनिमीज होने वाले हैं, जैसे कि डीमन, मॉन्स्टर, ज़ॉम्बी एंड अलग तरीके के क्रिएचर्स होने वाले हैं जिससे कि आपको फाइट करना है। एंड अगर इस गेम के बारे में थोड़ा सा मैं अलग से बात करूं, तो ये एक्चुअली एक ऑफलाइन गेम है, मींस यहाँ पे कोई इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड एक सिंगल प्लेयर है एंड मोबाइल के लिए अवेलेबल है। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर ये बोलते हैं कि कैसा मेड इन इंडिया गेम बताओ जो कि मोबाइल के लिए हो। तो यार, आपके लिए गेम काफी अच्छा है, मोबाइल के लिए अवेलेबल है, फ्री है। तो यार, ये काफी अच्छी बात है कि आप इस गेम को अभी तो नहीं कर सकते, बिकॉज अभी प्री रजिस्ट्रेशन चालू है इसकी, जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप इसको जो प्री रजिस्टर कर सकते हो। जो हमारी लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट गेम है उसका नाम है महाभारत। एक्चुअली इसके नाम को सुनकर आपके मन में एक बात आई होगी कि गेम जरूर महाभारत के ऊपर होगा। यार, आप डेफिनेटली बिल्कुल सही कह रहे हो, ये गेम जो महाभारत के ऊपर है। एंड इसकी स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज मुझे खुद इसकी स्टोरी नहीं पता। सो एक्चुअली ये एक ऑफलाइन गेम होने वाला है, पीसी के लिए आएगा। एंड ये जो एक सिंगल प्लेयर गेम होने वाला है, इसमें कोई मल्टीप्लेयर का ऑप्शन अभी तो नहीं है, लेकिन क्या पता फ्यूचर में इसके अंदर मल्टीप्लेयर ऑप्शन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाए। एंड इसके बारे में अगर और बताऊं तो ज्यादा कुछ वैसे रिवील नहीं हुआ है, इसके कुछ कैरेक्टर रिवील हुए थे। एंड मैं आपको स्क्रीन पर कुछ एसेट्स दिखा रहा हूं जो कि इन्होंने बनाए हैं। मैं इस गेम के बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं सकता, बिकॉज अभी इसकी स्टार्टिंग ही है। एंड आने वाले टाइम पर जो है वीडियो में इसके बारे में जरूर से और अपडेट्स दूंगा। और हाँ, एक और चीज, इसके जो डेवलपर है वो एक्चुअली वॉइस आर्टिस्ट को ढूंढ रहे हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप एक वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हो, मींस यहाँ पर जो कैरेक्टर्स की वॉइस ओवर कर सकते हो इस गेम में, एंड अगर आप चाहते हो कि इसका वॉइस ओवर करो, तो मैं एक्चुअली लिंक दे रखी डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म्स की, तो वहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। तो आपको दोनों को पढ़कर उसका वॉइस ओवर करना है और उस फाइल को गूगल फॉर्म्स के थ्रू उनको सेंड कर देना है। काफी इजी मेथड है, आपको डायरेक्टली अटैच कर देना है और सबमिट कर देना है। तो ये जो है सिर्फ 20 अप्रैल से पहले करना है, ठीक है? ये सिर्फ 20 अप्रैल से पहले तक का ही वो एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस गेम के रिलेटेड और भी कुछ अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। नेक्स्ट गेम के बारे में बात करते हैं तो उसका नाम है रूटलेस। ये एक स्टोरी बेस्ड गेम होने वाला है, जहां पर कि आप एक पायलट होते हो एंड आप एक आइलैंड पर क्रैश कर जाते हो, आपका प्लेन जो है क्रैश कर जाता है उधर। तो वहां से आपको जो स्टोरी पूरी करनी है, उस आइलैंड पे आपको सर्वाइव करना है। एक टोटली एक स्टोरी बेस्ड गेम होने वाला है। एंड यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम आने वाली है, जैसे कि आपको अपना खाना कलेक्ट करना है, मतलब खाना ढूंढना है। एंड ओवरऑल जो जितनी भी सर्वाइवल टेक्निक्स होती है वो आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। एंड ज्यादा कुछ इसके बारे में अभी पता नहीं चला है, इसको एक सोलो डेवलपर डेवलप कर रहे हैं। एंड इस गेम को बनाने के लिए अनरियल इंजन का यूज किया गया है। अगर मैं इसके रिलीज डेट के बारे में बात करूं, तो इसका जो डेमो रिलीज है 2021 के अंदर ही करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास शायद इसका जो है डेमो रिलीज कर देंगे। एंड इसका जो फुल रिलीज होगा वो 2021 से 2022 के बीच में जो है आपको इसका फुल रिलीज देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो एसर्ट्स हैं, इन्होंने ज्यादातर खुद बनाए हैं एंड कुछ परचेस किए हुए एसर्ट्स हैं जो काफी अच्छा लगा है, इन्होंने कोई प्रीमेड एसर्ट्स यूज नहीं किए। एंड अगर इसके बारे में और भी अपडेट्स आते हैं तो मैं आपको अपनी फ्यूचर वाली वीडियोस में, लाइक अपकमिंग वीडियोस में अपडेट कर दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो हमारी लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट गेम है उसका नाम है समवेयर। ये एक एक्चुअली एक इंडी गेम है जो कि डेवलप कर रहे हैं ओमलिंगस स्टूडियो। एनी गेम सेट है कोलोनियल इंडिया के टाइम पर, जहां पर कि आपको एडवेंचर करना पड़ेगा, कई सारी चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा एंड यहाँ पर आपको कई सारी पजल को भी सॉल्व करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो हमको इंडिया दिखाया गया है वो एक अल्टरनेटिव इंडिया है, मीन्स वो इंडिया नहीं है जो कि हमने पास्ट में देखा है, एक डिफरेंट वर्ल्ड का इंडिया है। एंड यहाँ पर जो एक काल्पनिक एक कह सकते हो सिटी है जिसका नाम है कायमगढ़, जहां पर की पूरी स्टोरी
राउंड करेगी। यहाँ पर क्या है, आप एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर पर स्विच कर सकते हो एंड यहाँ पर कुछ फ्लैशबैक स्टोरीज भी आपको देखने को मिलेगी जो कि ट्रिगर होंगी जब आप एनपीसी के साथ बात करोगे, तो यहाँ पर जो कुछ ट्रिगर होगी स्टोरीज जो कि फ्लैशबैक स्टोरीज होंगी जिससे कि आप स्टोरी को और अच्छी तरह से समझ पाओगे कि अब स्टोरी है क्या। एंड अगर बात करूं यहाँ पर जो ग्राफिक्स हैं काफी ज्यादा प्लीजेंट ग्राफिक्स हैं, काफी अच्छे विजुअल्स इन्होंने यूज किए हैं एंड डेफिनेटली काफी यूनिक लगता है। जब हम बात करते हैं इंडियन गेम्स के बारे में तो ऐसे गेम्स हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, और ये गेम को जो बनने का जो स्टार्टिंग हुई थी वो 6 साल पहले हुई थी। मीन्स अभी गेम नहीं बनना, 6 साल पहले से गेम बनता हुआ आ रहा है। इसका जो डेमो है 10 मिनट का है जो कि रेडी है एंड इसका अभी रिलीज के एंड इसकी रिलीज डेट के बारे में अभी ज्यादा कुछ पता है नहीं है, तो मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे कि आप इसका जो डेमो को प्ले कर सकते हो और डेवलपर को फीडबैक दे सकते हो कि इस गेम में और क्या इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट गेम के बारे में जिसका नाम है अंतरिक्ष संचार। ये एक्चुअली एक साइफाई एडवेंचर गेम है जो कि इंस्पायर्ड है और सेट है साउथ इंडिया पर, जहां पर की जो इस गेम को डेवलप कर रहे हैं वो है क्विक एंड गेम लैब्स। एंड यहां पे जो इंडिया दिखाया गया है, मीन जो साउथ इंडिया दिखाया गया है वो 1920s के टाइम का है। एंड यहां पर कई सारे आपको कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं। मेनली यहां पर दो जो है मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि हैं श्रीनिवास रामुजन एंड यहां पर जो ओपेरा डांसर, काफी पॉपुलर ओपेरा डांसर जयलक्ष्मी ईश्वर को जो है यहां पर दिखाया गया है। इस गेम को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो है रेड बुल, एंड हम रेड बुल को जानते हैं कि काफी बड़े बड़े जो है कॉन्टेस्ट को ही ऑर्गेनाइज करते हैं एंड इस गेम में भी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। काफी अच्छा लगता है कि कोई कंपनी इंडियन गेम्स पे इन्वेस्ट कर रही है। अगर हम बात कर लेते हैं इस गेम के बारे में तो इस गेम के आपको कई सारे वाइब्रेंट ग्राफिक्स मीन्स यहाँ पे जो विजुअल्स यूज किए गए हैं काफी अच्छे हैं, मेरे को काफी कमाल के लगे समवेयर और इसके ग्राफिक्स में वो काफी अच्छे लग रहे हैं। मतलब देखने में लग रहा है कि एक अलग तरीके का यूनिक गेम है। एंड यहाँ पर जो ब्यूटीफुल अलग जो ब्यूटी होती है ना जो इंडी गेम्स की वो यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है एंड काफी अच्छी बात है कि इस तरह गेम्स बन रहे हैं। एंड ये एक और गेम पे वर्क करने जिसके बारे में जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा अपनी अलग वीडियोस में, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का गेम होने वाला है। So, यही था इस वीडियो के लिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चाहे सब्सक्राइब कर लेना एंड जितने भी डेवलपर्स हैं उनकी सबकी लिंक जो है सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल की लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां से आके उनको उनके चैनल को चेकआउट करो एंड मेरे को भी जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कौन सा गेम पसंद आया एंड डेफिनेटली काफी कमाल गेम्स हैं। तो मैं मिलता हूँ ऐसी कमाल की वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू लेटर।